अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफा हैंडवर्क। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी लेस डिज़ाइन बनाएंगे और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने दो कलर के धागे लिए हैं। आप चाहें तो एक रंग के धागे में ही इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, लेकिन मैं दो कलर के धागे में बनाऊँगी इस डिज़ाइन को। तो मैं ले रही हूँ नायलॉन का धागा, आप सिल्क का धागा भी ले सकते हैं, कॉटन का भी धागा ले सकते हैं। इस तरह के मैंने दो रंग के धागे लिए हैं और इसमें हम दो कलर के जो है मोतियाँ भी लगाएंगे। तो ये जो हमारे पास मोती है ये है 5 mm की, इसकी साइज़ जो है 5 mm है। और ये वाली जो हमारे पास छोटी वाली मोती हैं ये 2.5 mm की है इसकी साइज़। इस तरह से हम दो साइज़ की मोतियाँ इसमें लगाएंगे। और इसके लिए मैं कुरेशिया ले रही हूँ 12 नंबर की, 12.06 mm की। तो हम सबसे पहले अपनी कुरेशिया पे नॉट बनाते हुए इस तरह नॉट बनाते हुए अटैच करना है कपड़े पे। अगर आप स्लीव से पे बना रहे हो या साड़ी बॉर्डर पे बना रहे हैं, दुपट्टे पे बना रहे हैं इस डिज़ाइन को, तो बहुत ही प्यारी दिखेगी ये डिज़ाइन। दामन पे आप लोग बना सकते हैं कमीज़ के। इस तरह सिंगल कुरेशिया के साथ अटैच करने के बाद हम लेंगे 1, 2, 3 चैन लेके थोड़े से गैप पे बिल्कुल स्ट्रेट हमें इस सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेना है। फिर लेना है 1, 2, 3 चैन, 3 चैन लेके फिर से हमें थोड़े से गैप पे अटैच करना है। इस तरह से स्ट्रेट आना चाहिए। अब हम धागे को ऐसे निकाल देंगे और एक मोती को लेंगे हम, मोती को अटैच करेंगे, इस तरह निकालेंगे लॉक करने के बाद। इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेना है। फिर लेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5 चेन, 5 चेन लेके ऐसे बैक साइड में आएंगे। अब हम यहाँ पे ये जो हमारी सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। इस तरह अटैच करने के बाद फिर लेंगे 1, 2, 3 चैन, 3 चैन लेके इस पहली वाली अटैच पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब टर्न लेते हुए हम राइट साइड में आ जाएंगे। सीधी तरफ आने के बाद अब हम इस चैन वाले गैप में डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम दो बार धागे को फोल्ड करेंगे और इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 दो धागे से हमें बाहर आना है पहले, फिर दो धागे से, फिर दो धागे से। इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनेगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हम इसमें 12 बार बना लेंगे ट्रिपल क्रोशिया कुछ इस तरह से। अब हम अपनी क्रोशिया को इस तरह स्ट्रेट रखते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेंगे कुछ इस तरह से। फिर लेंगे 1, 2, 3 चैन, 3 चैन लेके थोड़े से स्पेस पे हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेना है। फिर 1, 2, 3 चैन लेके फिर से अटैच, फिर 1, 2, 3 चैन लेते हुए अटैच सिंगल क्रोशिया से, फिर 1, 2, 3 चैन सिंगल क्रोशिया से अटैच, फिर 1, 2, 3 चैन लेते हुए सिंगल क्रोशिया से अटैच। इस तरह हम 1, 2, 3, 4, 5 5 गैप इस तरह हम बना लेंगे।
फिर इस तरह से हम धागे को निकालते हुए एक मोती लेंगे। इस तरह अटैच करने के बाद अब स्ट्रेट हम ऐसे रख के सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 चैन लेते हुए फिर हम बैक साइड में आएंगे। बैक साइड में आके यहाँ पे हमें अटैच के ऊपर सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेना है। फिर 1 2 3 चैन लेते हुए फिर से अटैच के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर टर्न लेते हुए राइट साइड में आ जाएंगे। फिर से हम इस गैप में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम इसमें 12 बार फिर से ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे हमने इसमें बनाया है ऐसे इसमें बनाएंगे। तो हम पहली लाइन को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके ऊपर दूसरे राउंड को बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ से दूसरे वाले धागे को अटैच करेंगे। नॉट बनाते हुए हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। पहले वाला जो हमारा अटैच है उसी के ऊपर सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेना है। फिर लेना है हमें 1 2 3 चैन, 3 चैन लेके यहाँ पे अटैच करेंगे हम ये जो पहला वाला अटैच है यहाँ पे कॉर्नर में हमें अटैच करना है सिंगल क्रोशिया से। इस तरह अटैच करने के बाद फिर हम लेंगे 1 2 3 चैन, 3 चैन लेके बैक साइड में आ जाएंगे। बैक साइड में आने के बाद यहाँ पे फिर से अटैच कर लेना है सिंगल क्रोशिया से। अटैच करने के बाद फिर लेंगे हम 1 2 3 चैन, 3 4 चैन लेंगे हम। 4 चैन लेके एक जो है मोती को लेंगे हम इस तरह मोती को अटैच करेंगे। फिर लेंगे 1 2 चैन, 2 चैन लेके अब हम मोती को किस तरह लॉक करेंगे यहाँ से हम चैन को काउंट करेंगे 1 2 3 तीसरे वाले चैन के ऊपर अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से। इस तरह अटैच करने के बाद हम टर्न लेते हुए राइट साइड में आ जाएंगे। सीधी तरफ आने के बाद अब हम इस चैन वाले गैप में बनाएंगे डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 7 बार डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे, अगले गैप को छोड़ देंगे। इस पहली वाली जो हमारे पास ट्रिपल क्रोशिया है इसके बीच में सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर हम लेंगे 1 2 3 चैन, 3 चैन लेके बैक साइड में आ जाएंगे। बैक साइड में आने के बाद फिर हम 1 2 स्पेस को छोड़ते हुए तीसरे वाले स्पेस पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम चैन लेंगे 1 2 3 4 चैन, 4 चैन लेके फिर से एक मोती को हमें लगाना है इस तरह अटैच करना है, लॉक करना है। फिर 1 2 चैन ले लेना है, टोटल हमारी 6 चैन होएगी। फिर उसके बाद यहाँ से हमें काउंट करना है 1 2 3 तीसरे वाले चैन पे हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेना है इस तरह। फिर टर्न लेते हुए हम राइट साइड में आ जाएंगे। सीधी तरफ आने के बाद हमें इस चैन वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाना है फिर से 7 बार उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह 7 बार बना लेंगे इसमें डबल क्रोशिया। अब हमें यहाँ पे अटैच करना है, इस एक गैप को हम छोड़ देंगे दूसरे वाले ट्रिपल क्रोशिया के दरमियान में अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर 1 2 3 चैन लेते हुए फिर बैक साइड में आएंगे।
फिर हम 1 2 3 तीसरे वाले स्पेस में बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, सॉरी सिंगल क्रोशिया, फिर लेंगे 1 2 3 4 चैन, 4 चैन लेके फिर से मोती को अटैच करेंगे, लॉक करेंगे, फिर 1 2 चैन लेंगे, यहाँ से हमें 1 2 3 तीसरी वाली चैन पे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेना है। फिर हम टर्न लेते हुए राइट साइड में आ जाएंगे और इस चैन में हमें फिर से 7 बार डबल क्रोशिया बना लेना है उसी तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 सात बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से एक स्पेस को छोड़ेंगे दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया से अटैच, तो हम यहाँ से यहाँ तक पूरा बना लेंगे इसी तरह से, फिर 1, तो इस तरह से हम टोटल 1 2 3 4 5 6 छह पत्तियाँ इस तरह हम बना लेंगे। छह पत्तियाँ बनाने के बाद आखिर में हम अटैच करना है एक गैप को छोड़ते हुए दूसरे वाले गैप में अटैच कर लेंगे वैसे ही सिंगल क्रोशिया के साथ। इस तरह अटैच करने के बाद अब हम लेंगे 1 2 3 चैन, 3 चैन लेके यहाँ से धागे को हम निकाल देंगे और यहाँ से देखेंगे हम 1 2 दो स्पेस को छोड़ते हुए तीसरे वाले स्पेस से इस तरह धागे को बाहर करेंगे और यहाँ पे इस वाले अटैच के ऊपर सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेंगे। इस तरह अटैच करने के बाद फिर 1 2 3 चैन लेके इस दूसरे वाले अटैच के ऊपर फिर 1 2 3 चैन लेते हुए तीसरे वाले अटैच के ऊपर अटैच कर लेंगे इस तरह, फिर से 1 2 3 चैन लेते हुए यहाँ पे हम अटैच करेंगे और फिर से डिज़ाइन को हम बनाना शुरू कर देंगे। 1 2 3 चैन लेके ऐसे बैक साइड में आएंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे, फिर हम इसी तरह से 4 चैन लेके मोतियों को लगाएंगे, 3 4 चैन लेते हुए मोती को अटैच करेंगे, फिर 1 2 चैन लेते हुए अटैच सिंगल क्रोशिया से, फिर राइट आ जाएंगे हम टर्न लेते हुए, फिर हम इस पहले वाले चैन में डबल क्रोशिया 7 बार बनाएंगे, तो हम बस इसी तरह से दूसरे वाले फ्लावर को बनाते जाएंगे, इसके आगे की डिज़ाइन हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ी सी आगे और डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक कैसा है। तो कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन बनती जाएगी जब, तो कुछ इस तरह से दिखेगी आप आगे बनाते जाएंगे डिज़ाइन को, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए इस डिज़ाइन को और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी डिज़ाइन। अगर डिज़ाइन पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।